जनाब वजीर आजम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुरू दिन से मौकफ रहा है कि आप करप्ट हुक्मरानों और गलत जस्टिस से पैसा बनाने वाले ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे और गिरफ्त में लाएंगे। आपने बारहा कहा मैं किसी भी सूरत में इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मानता हूं जनाब कि आपने काफी हद तक अपने इस मिशन के मुताबिक काम भी किया, लेकिन जनाब आप पिछले 5-6 महीनों से आप हमें शुगर माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं और खास तौर पर अपने दोस्त जहांगीर तरीन से ना सिर्फ आपने मुलाकात की बल्कि उन्हें एनआरओ भी दे दिया। और लोगों का तो ये मानना है कि अगर आप ऐसा ना करते और उनसे खुफिया मुलाकातें ना करते तो आपका बजट ही पास नहीं होना था। मेरा जी ये बड़ी आपने अच्छी बात की। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़े तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफी हुई है। मैं नाइंसाफी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जिन्होंने 25 साल मैंने इनके खिलाफ पूरी जंग लड़ी है, जहाद किया है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं की। कोई मुझे आज कहे कि किसी को झूठा केस बनाया, कोई इंतकामी कार्रवाई कहे, एक जगह मुझे बता दें। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर थी उससे मैं कैसे करूँगा? तो उस नाइंसाफी से तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके लोगों से अवाम को तकलीफ़ पहुँचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुँचाया, ये मेरा आपसे वादा है। कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। और मैं आपको सामने एक चीज़ मैंने देखा लोगों को बताने के लिए कि कितना फ़र्क होता है जब आप ताकतवर होते हैं इस मुल्क में करते क्या रहे हैं। जो ताकतवर हैं वो कैसे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। अब सारा जो मुल्क का टॉप जितने भी बड़े बड़े सियासतदान और जो ताकतवर, वो सारे शुगर मिल्स उनकी हैं, सबकी शुगर मिल्स हैं। अब वो शुगर, आप ये सोचें कि 1 रुपया जब चीनी महंगी होती है तो 5 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला जाता है। अगर 20 और हमारे दौर में 25 रुपए चीनी महंगी हुई तो ये सोचें कि 100 अरब रुपए से ज़्यादा अवाम की जेबों से निकल के शुगर मिल्स के पास चला गया। लेकिन वो शुगर मिल्स जो सारे ताकतवर के पास है, अब ये ज़रा सोचें कि उन्होंने आज तक टैक्स कितना दिया है। 5 सालों में हम निकाल रहे थे, उन्होंने 5 सालों में टैक्स कितना दिया है? 22 अरब रुपया। इसमें से इनको रिफंड कितना मिला है? 12 अरब रुपया। तो रह गए सिर्फ 10 अरब रुपया इन्होंने टैक्स दिया है। और इनको 5 सालों में सब्सिडी कितनी मिली है? 29 अरब रुपया। यानी कि पाकिस्तान को ये जो ताकतवर हैं, ये क्योंकि ये ताकतवर हैं, ईवानों में बैठे रहे हैं, इनके शरीफों की भी शुगर मिल्स हैं और वो जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं, ना ये टैक्स देते हैं, चीनी जब चाहिए महंगी कर देते हैं, चीनी बन जाती है 3 महीने में, गन्ना गन्ना जाता है शुगर मिल में, चीनी बन गई, लेकिन सारा साल चीनी की कीमत ऊपर जाती रहती है। इसलिए हमने इन सारे माफियाज, ये मेरा वादा है आपसे, सारे माफियाज के ऊपर कोई किसी से रियायत नहीं होगी, लेकिन नाइंसाफी किसी से नहीं होगी। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।